हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के बारे में कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और साथ ही साथ उसके मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे। तो बीटा लैक्टमेज आर अ फैमिली ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस बाई मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डेट इनएक्टिवेट द बीटा लैक्टम रिंग बाई ओपनिंग द बीटा लैक्टमेज। तो जो हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है वो एक तरह की इंजाइम होती है जो कि काफ़ी तरह के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इसको सीक्रेट करते हैं। इस इंजाइम की वजह से होता क्या है, जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, ये उस बीटा लैक्टम रिंग को इनएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो एंटीबायोटिक हुआ अपना एक्शन नहीं शो कर पाती है। तो टू ओवरकम द दिस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स डिस्कवर इन 1980 विच बेसिकली इनएक्टिवेट दिस बीटा लैक्टमेज एंजाइम एंड इंक्रीज द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या फिर आप बोलो तो इसको सही करने के लिए 1980 में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स का डिस्कवरी हुआ, जो कि क्या करती थी, जो हमारी जो बीटा लैक्टम रिंग है ये एंजाइम इनएक्टिवेट कर देती थी। तो उसकी वजह से जब हमने इसमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग ऐड करके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ में दी, तो वो जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो अपना एक्शन अच्छे से शो कर पाती थी। तो दे आर नॉट यूज अलोन, दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विथ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो जो हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं इनको हम लोग अकेले यूज़ नहीं करते, इसका एक कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जो कि हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ किया जाता है। आपने मार्केट में बहुत सी ड्रग देखी होगी, जैसे मोनोसेफ एसबी, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है, उसमें आपको समय सेफेक्सिम और सलबेक्टम के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलवेनिक एसिड एक होता है, उसके बाद सलबेक्टम होता है। तो इन्हीं का यही दो जो होते हैं वो बीटा लैक्टमेज एज इनहिबिटर के साथ इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन में करते हैं, यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन में सलबेक्टम आपको देखने को मिलेगा या फिर कलवेनिक एसिड। अब मार्केट में काफ़ी ड्रग देखे होगा, जैसे मोनोसेफ एसबी हो गया, 625 आपको देखने को ड्रग आती है एक एंटीबायोटिक, जिसमें एमोक्सिसिलिन रहता है और पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है टैजोबैक्टम, ये काफ़ी ज़्यादा पेटेंट होता है अगर हम लोग इसके सलबेक्टम के कंपेरिजन में बात करें तो, ये उससे ज़्यादा पोटेंट होता है। उसके बाद इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारा जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर वो काम करता है। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ये जो हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है वो डिस्ट्रॉय करता है या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव करता है। तो जो हमारी बेसिकली बीटा लैक्टम एंजाइम होती है वो क्या करती है, हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियल एक्शन है वो बढ़ जाता है और जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती। वहीं अगर जब हम लोग उसमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग देते हैं तो वो क्या करता है, बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो अपना कंप्लीट एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी है उसको वो शो करती है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कंटेन बीटा लैक्टम रिंग विच स्ट्रांगली बाइंड विथ बीटा लैक्टमेज एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट्स। तो जो हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एंटी जो ड्रग होती है वो क्या करती है, बीटा लैक्टम रिंग को कंटेन करती है, वो क्या करता है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उससे जाके बाइंड करता है उसके साइट पे, देन इनएक्टिवेट द बीटा लैक्टमेज एंजाइम और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, फर्दर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम्स एंड इंक्रीज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जिसके बाद क्या होता है, जो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो यूज टू ट्रीट स्किन रिस्पायरेटरी ईयर एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसका इस्तेमाल हम लोग स्किन इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन या फिर यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी गिव देयर एक्शन इन कॉम्बिनेशन विद पेनिसिलिन। इसका थोड़ा सा वीक एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी देखने को मिलता है अगर हम लोग इसका पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स क्या होती हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करती हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।